लगा, पूरी ताकत लगा और जोर से, जोर से, पूरी ताकत लगा, जोर से, बहुत ताकत है तुझमें, लगा जोर से। हाँ, जकड़ो उसको तेजी से। जकड़ लो उसको और तेजी से, लगा पूरी ताकत लगा और जोर से, जकड़ो उसको और तेजी, जकड़ो, हाँ लगा पूरी ताकत लगा, हाँ लगा पूरी ताकत लगा। देगा नहीं देगा सवाल के जवाब, देगा क्या नहीं देगा, तू औरत आदमी है, औरत आदमी है, हाँ कौन है, कहाँ रहती, कहाँ रहती, जिंदा है मरने वाली है, कहाँ से लाए थे तुझे शमशान से, कब्रिस्तान से, और वो तेरा साथी कौन है, वो अदबी जो इसको परेशान कर रहा रात में सोते वक्त, हाँ कहाँ से आ रहा वो, जकड़ लो उसके हाथों को और तेज, जकड़ो, जकड़ो उसके हाथों को और तेज से, और लगाओ अंदर से जकड़ के, जकड़ो उसके हाथों को और तेज से, जलाओ उसके हाथों को तेज से आग लगाओ, जकड़ो जकड़ो बंद कर उसके हाथों को, हाँ जकड़ लो उसके हाथों को और तेजी से, हाँ कब मारो बोले थे इसको, अम्मास में पुन्नम में, छोड़ो मत उसको और तेज कस के जकड़ के रखो उसको, कब मारो बोले थे उसको अम्मास में पुन्नम में, क्या कर दी थी, पागल बना रही थी, पागल कैसा बना रही थी, पागल क्या कर कर कैसा कर रही थी, खिला के पागल, लेकिन नहीं हुई लड़की, किस चीज में खिलाई थी, किस चीज में, हाँ जल्दी ना तो काट दूंगा मैं, जकड़ लो उसके हाथों को और तेज से जकड़ो, कस के बंधो उसके हाथों को, हाँ और क्या क्या कर रही थी उसके घर में, उसको शादी क्यों तोड़ा रही थी, नहीं होने दे रही थी, कौन कौन क्यों, क्या दुश्मनी थी, कौन बोला था तुझे ऐसा, नहीं बताऊं मैं, तेरे हाथ काट देंगे हम, लाओ बाहर से जंजीरा और उसके हाथ कस के बंधो, और ला के औजार उसके बाहर से हाथ काटने का, उसके बंधो उसके हाथों को कस के बंधो, ऐसे कस के बंधो, टूटना उसके हाथ मगर खुलना नहीं, तेजी से कसो और तेजी से कसो, हाँ कसो कसो उसके हाथों को कस के बंधो, कस दो उसके हाथों को और तेजी से कसो, हाँ कसो और तेजी से कस लो उसके हाथों को, काट दूं काट दूं, जकड़ लो जकड़ लो और तेज जकड़ो, बंद के डालो, बता कितने साथी हैं तेरे, कितने साथी हैं, और कस के बंद, और
हाँ तू भेजी उसके घर में खबीस, तू बुलाई किसी को चैन से रख देने सबके आगे लगा दी हूँ, बताओ कितने को बचाओगे। घर में खुशियारी नहीं आने दी आज तक। तंगी की स्पीड और कम कर। हाँ और क्या कर रही थी? कस के बने उसको तेजी से, उसके हाथों को और तेजी कस के बांधो। सुस्ती का हमने बर्बाद कर दिया। हाँ क्यों उसकी खूबसूरती को बर्बाद की तूने? क्यों और तू बदसूरत थी और इसलिए उसको भी तू बदसूरत बना रही थी जादू करके। हाँ क्या इसके तो शादी होने नहीं। तू कौन होती उसके रिश्ते में? कौन होती? जादूगर। समझ में आया? जादूगर नहीं है तू। जादू कौन चलाया बच्ची पर? जादूगर नहीं, अब तेरे हाथ काट देंगे हम। हम फैसला देंगे, तेरे दोनों हाथ काट के ले लेंगे। बहुत तू लोगों पे जादू कर रही, वो हाथ ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे तू बांसुरियां बजेंगी जादू के? काट दूं क्या? सबने काटता है इसी होता है। अब बंदिया ना मन तेरे हाथ जकड़ के बंदो उसके हाथों को और तेजी से। घर में कितने का बांध होगा, कितने का काट हर के पीछे, हर एक के पीछे बताओ कितने का बांधो। शादी होने नहीं देंगे। कस के बांधो उसके दोनों हाथों को। अंधन आग भी लगाएंगे उसके अंदर, बुलाओ आग लगाने वालों को, फिर उसको बन के डालो तेजी से। सब भाई बहन को परेशान किए पूरे घर को। लड़की लीडर बनती थी, लीडर और देख किस मामले में लीडर बन रही थी वो। किसी चीज से नहीं डरती थी। देख अपने घर में कैसे। और उसको इबादत भी नहीं करने दे रही थी क्या? अदब तो बहुत करती, इबादत में पीछे नहीं। बोल कित बचे आली होनी इबादत की वजह से। तेरा जादू उतना कार नहीं करा बोल उसके ऊपर जितना तो कराना चाह रही थी। तो देखो ऐसा रहता शैताना जिन्नाता चुड़ैला इनकी कोई औकात नहीं इबादत के सामने। इबादत ज्यादा से ज्यादा करना, इबादत मोमिन का हथियार है। लेकिन फिर भी कैसा देखो जादूगर नहीं हाजिर हुए इनका जादू। इसका जवान हमेशा कुरान मारे लड़की। रमजान में 6 खत्म देखो। फिर भी तू बेगैरत उस पे जादू कर रही नाला। कौन से जात की है तू? कौन से जात की है? मर के कहाँ भरने वाली जाके? झगड़ो उसको तेज़ से, झगड़ लो उसको तेज़ से। जबड़ो उसके हाथों को और तेज साथ में। अब बोल अब काट दूं क्या तेरे दोनों हाथ? ले लूं तोड़ के वो मेरे हाथ है ले लेंगे तेरे हाथ और तेरे बच्चों को भी मारेंगे। लोगों के बच्चों को तू मार रही, तेरे बच्चों को भी मारेंगे। मारने लगाऊं तेरे बच्चों को नदी में फेंकने लगाऊं गाड़ी समेत उठा के, गाड़ी में बैठ के फिरते टाइम पे तेरे बच्चों को नदी में गाड़ी समेत उठा के
क्या हूँ कौन? सामने बदनाम की थी। क्या बदनाम की थी तुझे इन्हें? क्या बोली थी? अच्छा डायन बोली बोल के तूने क्या करी इस पे जादू कर दी चिड़के? हाँ हेलो जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार चार दिन देखते कभी भी आ जाओ आते बहुत दो दो फोटो आधार कार्ड का जरा मिलाना साथ में पेशेंट कौन आ रहे हैं उन सबके और जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार चार दिन देखते ठीक है चलिए मैं जरा अभी शैतान निकल रहा हूँ बात करता हूँ जकड़ो उसको और तेज मारो उसको तेज से ना रहा आपको लगा जोर से पूरी ताकत और जोर से क्या की थी लड़की ने तुझे बदनाम की थी बोल के तूने इस पे जादू करी थी क्या बोल के बदनाम की थी क्या खेकड़े बेचने वाली क्या बोल थी जादू टोना कब करी थी बदनाम कितना टाइम हो रहा अभी पांच साल कितना अच्छा तू जादू चलाते वक्त इसका क्या लेकर गई थी सोनिया का क्या लेकर गई थी जादू चलाते वक्त बिस्किट था कौन सा बिस्किट पार्ले अच्छा पार्ले जी मैं खिलाई हाँ कई में अच्छा छह महीने की कौन थी छह महीने की सोनी छह महीने की जब खिलाई थी अब कितनी उम्र है उसकी कितनी बड़ी है भाई कितनी उम्र है इसकी और क्या की थी और क्या करेगा और इसका कपड़ा बाल वो कुछ लेकर गई थी अरे एक ने हम लोग बहुत मिल के किए थे कौन कौन सबने मिल के किए थे कितने लोग थे तुम पांच छह लोग थे दुश्मनी क्या थी बस खाली एक ही दुश्मनी और दूसरे लोगों की क्या दुश्मनी थी पांच छह जो थे तो घर में बर्बाद कर दिए खुशियां छीन लिए सारे घर में खुशी देखो कैसा खुशी छीन इस लड़की को भी खुशी छीना मनुष्य अभी इसके साथ इसकी शादी करके दे दिए थे बच्चे की तुम लोगों ने जादू करके इसकी शादी कराए थे खबीस के साथ में इसलिए उन्हें इसकी शादी नहीं होने दे रहा दूसरे तरफ कहीं हाँ झगड़ के बांधो उसको और तेज से बांधो उसको कस के बांधो उसको तेज से छोड़ता ही नहीं है इसको क्या बोलने से थोड़ी जाता वैसा होगा हमला करके चलाना पड़ता है उनको नाला है बहुत ने खाली ऐसा किया कि जा बोल दिया देख तू का जा बोल दिया तू गया नहीं नाला तू चला के राख करेंगे तो तेरी मजा आएंगे अभी कस तेरे बन के डाल दिए वैसा बंदो उसको और देखे मेरे पर नहीं कस सबने बोला अभी नहीं छोड़ा तुझे छोड़ेंगे ही नहीं ना तुझे काट काट के वसम कर देंगे फिर तू बास ना बजेंगे फिर काट देंगे तुझे तेरी औकात बताकर काट देंगे तुझे हिम्मत नहीं रखे हो बताना कितनी हिम्मत है अरे बता कितनी है झगड़ो उसको नाला कुत्ते जिसे दोनों हाथ आते जिस झगड़ के बांध दो कैसा बंद के मार रहे हैं यहाँ देखा ना हाथ बंद कर तेरी औकात बता दी तुझे नाली में भेंगने वाले कीड़े लोगों को जुल्म देता ऐसा नाला तेरी औकात क्या है तूने मेरे से परमिशन लिया था लोगों को जुलूम देने से पहले दुनिया में आके इंसानों की दुनिया में कमबख्त पकड़ मेरे हुक्म के तू कैसा जुलूम दे रहा था मेरे को छोड़ दो क्या छोड़ मेरे को सुनने नहीं आ रहा क्या छोड़ो मेरे को कस के बांधो इसको और आग भी लगाओ Ah!
लाओ उसको कमीने को, उसके औकात बताओ उसको, कितनी बताओ सब लोगों को। देखा ये अल्लाह के कलाम की तरह से, देखा लगा तेरी पूरी ताकत कम बखर, लाओ उसको आग लगा दे रहा उसके अंदर। चल पीछे जा नारा, पीछे जाके लगा पूरी ताकत, जबड़ो उसको पीछे ले आओ, खींच के खींचो उसको और पीछे कम्बा हाथ को, और मारो उसको चाबू का लाके, पीछे खींचो उसको और जा पीछे और खड़ा पूरी ताकत, खींचो उसको पीछे ले जाओ, पीछे खींच के मैदान में ले जाओ उसको, पीछे खींच के लगा पूरी ताकत, पीछे जाके जा पीछे, उसको खींचो पीछे। हाँ चलो ना, दोनों हाथ तो बतो बकर
कौरी तो बाकर दोनों हाथ काट दूंगा मैं वो भी। लाओ बाहर से उजारा उसके हाथ काटने को। अब दे दे वो हाथ हम आपको। बहुत हाथों से तूने मनमाना करा, लोगों की जाना लिया, कितों को मारा, तबाह बर्बाद करा। अब तेरे हाथ काट के बाहर टांग देंगे हम। बोल उसकी शादी होने देगा कि नहीं? पूछिए। नहीं मकसद नहीं है, तुम वापस मिल के परेशान हो गए करेंगे रुकावट शादी में। आप 20 साल से परेशान सारी दवा बाहर निकाल के फेंकूंगा मुझे तुझे खींच खींच कर बुला रही है अंदर। और बिठारी जब देखो जब तो बोलते कौन कौन डाली वो औरत कौन थी इस रिश्ते में जिसने बिस्किट खिलाई थी इसको? तो कौन नाम क्या था उसका? क्या दुश्मनी थी? बहुत दुश्मनी, बहुत दुश्मनी। क्या दुश्मनी? बहुत दुश्मनी, रोज इससे जला। अब तेरा क्या सुलूक किया जाए तेरा? बोल। अब मैं सोच रहा हूँ तुझे बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूंगा, तेरी आजादी छीन लूंगा कयामत तक के वास्ते। क्या तेरे दो टुकड़े करके बाहर तेरी मुंडी काट के टांग दूं? जितने भी लोग आएंगे जाएंगे काउंटिंग करते रहना कितने आ रहे कितने जा रहे मेरे पास। बोल तो तुझे समंदर के अंदर डालने लगा देता हूँ कैद खाने में ले जाके। सबके घर में तबाह किया। तेरे साथ यहाँ और कितने हैं? कितने हैं? पूरे घर को घेरे हुए हैं पूरे घर। अच्छा कहाँ से आए थे तुम लोग? शमशान से कब्रिस्तान से? शमशान से। चलो सबको जला के राख करने की तैयारी करेंगे ये सब। क्या करना सुनो, बोल तुझे मार देना कि तुझे छोड़ देना। क्या करना? बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा था तू पहले, देखा ना यहाँ यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है। अल्लाह के कलाम की ताकत के सामने सब बेबस है, पूरे जादू टोने शैतान इबलीस सब नालायक हो। पहले कितने बड़े बड़े बातें कर रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था मुझे, अब दिखा एटीट्यूड दिखा और मारने लगा था कुछ जंजीरों से। सबको बर्बाद किया, परेशान किया पूरा घर को। देखा अल्लाह के कलाम की ताकत। क्या खून चूसा? खून किसका खून चूस रहा था? छोटी वाली का पूरा एकदम हालत खराब हो गया, नहीं पा रहे हैं। छोटी वाली के साथ में शादी लगा कर छोड़े क्या वो खबीस को जो खून चूस रहा उसका? तो क्योंकि ऐसा कोई नहीं चूस सकता जब तक लगा के शादी नहीं छोड़ते वो, तो बाद में मार के ले जाता हूँ कमबख्त उसको, साथ में ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ वो। बोल तेरा साथी है वो? वो बोल रहा कि उसके बहन के आंख में खून नहीं है, बोल रहा हूँ उसकी कोई छोटी बहन है, बोलते ये लोग बिहार से और दूसरा कहाँ से रांची से झारखंड से आए बोले थे तो उनके आंख में निकल रहा, तो वो बता रहा है कि पूरे घर कुछ करे वाला है वो बता रहा। और वो ये भी बोल रहा है उसके अंदर कि उसकी कोई बहन है और वो बहन को सुखा दिए पूरा सुखा दिए बोलते पीछे से यहाँ से दाल लड़ा के पिशाच नामक कभी जिन ना करते तो वो खून पीते तो वो परेशान करते बहुत ज्यादा और बाद में खत्म करके साथ में ले जाके शादी करके देते। वो बलाएं जिन्नातों में की वो अलग किस्म है, वो भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के जिन्नाते हैं। अब ये तो मैं तो मेरे जबानी कुछ नहीं बता रहा हूँ ना, किताब में पढ़ के बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल में जो शैतान है जिन्नात है जो बयान कर रहे हैं उनकी जबानी पूछा रहा हूँ, नहीं तो ये चीजों में तुम मुसल्लत हो के खत्म कर देंगे ये सब चीजें तुम्हें। बेहतर है कि अल्लाह से ये सब चीजों की पनाह मांगो, पनाह मांगो अल्लाह की पनाह मांगो और दुआ करो चौबीसों घंटे हर मामले में दुआ, तो तुम महफूज रहेंगे। नहीं तो तुम्हार को अगर ये चीजें ऐसे अगर लग जाएंगे तुम्हार को निकालने वाला तो कोई ओरिजिनल नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती, तुम खत्म हो जाएंगे और बाद में शैतानों की टोली में शामिल होकर फिरेंगे। तुम लोगों को नहीं पता है कितने थीरियां और कितने बड़े इल्म की दास्तान है जी, इल्म समंदर है हर मामले में। जब इल्म को पढ़ोगे हासिल करोगे तो समझ में आएगा तुम्हारा मतलब ऐसा क्या है, सिर पे से जा रहे तुम्हारे जहाज हेलीकॉप्टर की वजह से बात आ तो क्या समझ में आएगा तुम्हारा, इसलिए समझो अमल करो और दुआ मोमिन का हथियार में बार बार इस वास्ते बोलता हूँ, दुआ हर चीज की याद करो। यहाँ तक कि चाहे पूरे दुनिया में एक ही इस्लाम जैसा है कि जो तुम आपको बैतुल खला में वॉशरूम में जाने की तक दुआ दी आ गई, बाकी कोई धर्म मतलब में नहीं है। मैंने तो पढ़ा नहीं, अब है नहीं है मेरे तो इल्म नहीं है, तुम भी देख लो मेरा जहाँ तक कहना है खाली इस्लाम में पढ़ा मैंने, बाकी सबकी स्टडी करा कहीं नहीं मिला। बाथरूम में जाने की इस्लाम में हर चीज नहीं छोड़ते जबरदस्त औरतें से। Acá, por acá,
लगा बुरी दावत, जकड़ो उसको और देसे बंदा लो उसको छोड़ने का हुक्म न दिया, मारो उसको और देसे लगा मारा पढ़ूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना तैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर क्या समझा था तू कम बखत, क्या समझ के जादू कर रहे थे तुम लोगों को परेशान कर रहे थे, क्या किया जाए तेरे साथ में, नफरत पैदा कर दी है आपस में और सब दुकानदार सब चपट नामी चलता देख। अब क्या करे तुझे खत्म कर दे मार के खत्म कर दे, हाँ दो टुकड़े कर दे चीर दे तुझे, गरम गरम सलाह के करके मंगाओ तेरे हर पार के निकालने लगो तेरे आंखें फोड़ने लगा तू बोल क्या बर्बाद किया ना? क्या कर रहा था सब फेस बर्बाद कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था उसको चेहरे खूबसूरत नहीं दिखा ये, हाँ समझ नहीं आया, और क्या कर रहा था, और क्या कर रहा था, उसकी पूरी खूबसूरती बर्बाद कर रहा था, क्या खूबसूरती बर्बाद, अब क्या किया जाए तेरे साथ, सुनो जकड़ लो इसको तेजी से जंजीरें ला के डालो इसको, आग तेज से बन के डालो और इसके छोटे छोटे टुकड़े करना है मुझे, इसको बहुत बहुत मारना और छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, चल फिर अच्छा इसकी छोटी बहन कैसा ठीक क्या बोल रहे वो लोग, क्या है उसके ऊपर, तू है क्या दूसरा है, लेकर आना पड़ेगा इधर, लाने के बाद यहाँ करेंगे ना, लो थोड़ी शैतान बताएंगे मैं बताऊंगा, जकड़ के रखो उसको और कैसे, चल अब मेरे पास गुलाम बन जा तू, अब चल दू अब गुलाम बन जा, हाँ गुलाम बन के बाहर खड़े हो जा फौज में, वो जो दवा है वो दवा को हम निकाल देंगे उतारा करके, दवा तुझे उधर खींचेंगे नहीं उसके तरफ, और तू बाहर रहना, जो भी लोग यहाँ आते उनकी खिदमत करना, सबकी मदद करना, हम ना गुलाम बनेंगे, बोल दिया ना, बन जाएंगे गुलाम, नहीं बनेंगे, बनना ही पड़ेगा, फिर हाथा काट देंगे हम दोनों, जकड़ लो उसको जूते से, फिर हाथ दे दे हमको दोनों, दे दे दोनों हाथ हमको, नहीं हाँ क्या जाने दो ना, मुंडी काट कर ले लेंगे बाहर सजा कर रख देंगे तेरी मुंडी को, वो सब जो भी लोग आएंगे उनको क्या बोलते, तो गिनती करते ना काउंटिंग कितने आ रहे कितने जा रहे, ठीक है नहीं छोड़ेंगे, एक ही जो ऑप्शन है तेरे पास में, हम जो बोले वो अब हमारा सुनना पड़ेगा, गुलाम बन जाना पड़ेगा, आज से तू हमारा गुलाम है, मेरे पेट में बीमारी कौन दिया है, उसके पेट में बीमारी कौन दिया, क्या नाम है तुम्हारा, अफसाना, मुंह को बराबर लगाओ कैमरा चालू है ना, हाथ निकल जा रहा ना पूरा, अफसाना क्या अफसाना पर जादू कौन किया रे, कौन वो अफसाना पर जादू कौन किया, चल दे कुछ नहीं तुझको नहीं पता, नहीं मालूम है, नहीं पता है तुझे, मालूम पड़ेगा फिर, जकड़ लो उसके हाथों को तेज साथ में जकड़ो, जकड़ो उसके हाथों को और तेज जकड़ो, हाँ चल बता बता जल्दी टाइम नहीं मार पास, खूब मारो उसको जकड़ के तेजी से बन के डाल दो और उसके अंदर इतना मार मार के चिल्ला कर दो उसको पूरा, फिर बाद में सोचेंगे अपन उसके साथ क्या करना, तो शीशी में डाल के जमीन में सुधार देना, तो समंदर में ले जाके कैद करा देना, तो किधर ले जाके करना वो बाद में सोचेंगे, जब तक उसको थोड़ा मार मार के उसको चिंदा करो, ताकि उन्हें बच्ची को जो सताया उन्होंने इतने साल, इतने साल तीस साल, हाँ 30 साल सताया उन्होंने बच्ची को, 30 साल का उसको खुशी छीनी,
उसको सबके नजर में गिरा है। हाँ। सबके नजर में अच्छी बनती। हाँ। सब नजर में गिरा दिए, सबके दिल में नफरत पैदा कर दी इसके लिए। अब तो बता दिए सब, आप छोड़ो। नहीं मेरे बारे में बताओ। हम कैसे छोड़ेंगे तेरे को, मनमाना करने के लिए क्या, लोगों के जाना लेने के लिए? हम तो तेरे को अभी बन के डाल के मारने लगाएंगे, फौज भेज कर इतना मारेंगे तुझे, रात दिन मेरी फौज मार मार कर चिंदिया बना देंगे तुझे। फिर उसके बाद में हम सोचेंगे तेरे को समंदर में ले जाकर कैद करना, पाटल में डालकर कैद करना, जमीन में गाड़ना, क्या करना, उन सबको भी कैद कर लेंगे हम घर में जितने तो, फिर सारे साथियों को पकड़ लेंगे। अफसाना का बीमारी कौन लगाए थे वो? इसका भी जादू टोना है। हाँ, खिलाए वाला है। हाँ, वो जो मैं बताऊँ संभल करो, सब राइट करा शैतान से थोड़ी नहीं होगा, शैतान का इल्म तुमसे पास है ना, उन्हें थोड़ी बताएगा। इसको कुछ नहीं, सबको कैद कीजिए, सबको बन के डाल देंगे। चलो लाओ जंजीरें और इसको बन के डाल दो इसको। क्या कुछ राज बोल रहा मेरे को? कहाँ का है तू? खजाने पे का है? वो खजाना भी है क्या? कड़ा हुआ हंडा है, रंजन है, क्या है? इसका खजाना भी ला लो, उठा कर छीन के ले लेंगे निकाल कर सब। और इसको मार के इसको कंगाल बना के कंगाल शैतान बना देंगे, इसको कंगाल खबीस। अब फिर उसको कैद खाने में डाल देंगे, उसको गिरफ्तार कर। सबको कैद कराने का, उन सबको पकड़ लो अभी इसको, सबको तेजी के साथ। और आज रात 12 बजे के बाद से उस पर तेजी से जंजीर डाल के उसके साथियों को सबको जगड़ के खत्म करने की तैयारियां कराओ। उतारे के अंदर इन सबको खत्म करेंगे, उतारे करा करा के इनके। चल अब कमबख्त डाल दो इसको जंजीर, मारो इसको, इन्हें फिर जगड़ कर सामने आके सब बयान करना। और इसको चिंदी चिंदी बनाओ, इसको मार मार के, और इसको बाद में कैद खाने में डालने की तैयारी करो। उतारे के साथ कसम करा के सकते हो। क्या नाम है? पानी दो गिलास। मुंह पे का हटा पानी पिलाने को। चल जा जा भाई, जा लिया उसके बाहर, लिया मंदिर डाल के रखो, जा छोड़ उसको, जा अरे क्या होगा था? ये कौन है? दादा खोले खाली मेरी तरफ खोले, गाना वो कैमरा चालू है, जरा डालो नीचे। ये कौन है? ये वो कौन है? कहाँ से आए थे? यहाँ भी कुछ सवाल जवाब है तो कुछ याद है क्या तुम आपको? हाँ, कुछ अभी मेरे साथ में सवाल जवाब है तो कुछ याद है क्या? जब भी मेरा वो ऐसे होता है कुछ तो कुछ पूछता तो बता ही देता, तो वही वजह मैं पूछना चाहती हूं, आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है? अभी मेरे से सवाल जवाब हो रहे थे तो कुछ याद है क्या? बीच में की बातें याद है क्या? लास्ट के शुरू के याद है और बीच में की भूल गए, ऐसा कुछ है क्या? कैसा याद है क्या? पूरा याद है? कुछ कुछ बात याद है, शुरू के और लास्ट के याद होंगे शायद, बीच का भूल गए। पियो पानी। वो पहले हाजिरी, वो जो भी आता था घर पे हाजिर होता था तो बोलता था कि जो भी बात है दास्तान बयान करता था, मगर पेशेंट को दो किस्म की हाजिरी आती है, एक 100% पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता, पानी मार के उसमें लाने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता क्या हुआ कुछ भी नहीं, और एक ऐसा रहता कि आता उसके दिमाग को सब बातें समझते मगर जबान उन्हें पकड़ के चलाता, जबान से क्या निकल रहा, क्या बात कर रहा हूँ। इनको शुरू का थोड़ा सा याद है, लास्ट का थोड़ा सा याद है, बीच में का कुछ भी नहीं है ना, कि बीच में 100% हाजिरी चालू थी, पूरा पूछे उसको सब नहीं वो करे, और वो कुछ बयान करा उसमें सारी बातें, कैसा खिला के ला के छोड़े आला है, कैसा अंदर बैठे आले, सब दास्तान बहुत सारे। और खैर अल्लाह के उस तरीके से जला के रखा था, क्योंकि वो जो रहता अंदर दवा, लोग छिप मक्का से लोहे को खींचता, वैसा वो मखना तीस का लोहे को खींचता, वो सब दवा अंदर की बलाओं को बुलाते रहती बारों को, वो निकाल के जब जला के बसम कर देंगे तो फिर राइट हो जाती है, उल्टिया जुला हो गया, खुद को खुद ऑटोमेटिक दवा निकल जाती, पेशेंट राइट हो जाता,
शुक्रिया। खैर बहुत सारे बातें हैं, इसलिए इसलिए सब बातों का, सारे चीजों का एक ही मजमुआ है, एक ही उसका कंक्लूजन है, एक ही सब बातों का निचोड़ है पूरी थ्योरी का, वो है इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, हदीस कुरान का मामूल बनाओ घर के अंदर पढ़ने का, कुरान को जुजदानों में महराबों में सजा के मत रखो, सजा के रखने के वास्ते नहीं दिया जी तुम्हारे, किसका इंतकाल हुआ तो निकाल के पढ़ रहे, तुम्हारे पढ़ने के वास्ते तुम्हारी हिफाजत के वास्ते दिया जी, उठा ले तुम्हारी, वो जब पढ़ेंगे तुम हर बातों से महफूज रहेंगे अल्लाह के हुक्म से, समझे ना। ये सुनो ये कैसी दास्तान चल रही दुनिया में, कैसे हो गया ये कि दुनिया आखिरी इसके पड़ाव चल रही, तो आखिरी जमाने में जादू टोना बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला था, तो देखो वो आखिर में बढ़ गया, और मैं तो मेरे जबान ही कुछ नहीं बोलता, मैं सामने वाले के जबान से अल्लाह के हुक्म से पकड़ के निकाल के लाके पूछाता हूँ, मैं बोला क्या मेरे जबान से, एक लफ्ज नहीं बोला, सुनो उसके अंदर जो बातें हैं वही सामने वाले के जबान ही पूछाता हूँ, मैं जो अल्लाह है शैतान है जिन्नात है जादूगर कोई भी, उसको हाजिर होना पड़ता अल्लाह के हुक्म से, सामने आके बोलना पड़ता है, अल्लाह के कलाम की ताकत है, पहले कितने बड़े बड़े बातें कर रहा था, कैसा एटीट्यूड दिखा रहा था, बाद में जब अल्लाह के कलाम की से मार पड़ी उसको कम बखत मलून के ऊपर, वो जब फिर कैसे सही सही बोल रहा, फिर कैसे तोबा तोबा कर रहा, तो ऐसा रहता है, ये सब अल्लाह के कलाम की ताकत है, अल्लाह के कलाम के सामने ये सब चीजें बेबस है, ये बात जहन नशीन कर लेना, जादू जादू से नहीं कटता, लोहा भले ही लोहे से कटेगा मगर जादू जादू से नहीं कटता, जादू सिर्फ अल्लाह के रहमत से कटता, और रहमत वहां बरसती जहां इबादत और नमाज और कुरान होती, ये चीजें तुम्हारा जिक्र अस्कार ये महफूज रखते, जादू से जादू जादू से नहीं कटता है, बिल्कुल नहीं, बेबुनियाद बात है, क्योंकि रहमत जहां बरसेंगी तो वहां तुमको फैज मिलेगा, दुनिया वालों बेवकूफो जहां रहमत बरसेंगी वहां तुम्हारे जख्म भरे जाएंगे, मरहम लगेगा जख्म के ऊपर, जख्म को जख्म से उरेद के खुरेद के जख्म ज्यादा बढ़ जाएगा ना, जादू जादू से नहीं कट सकता, जादू में फैज और राहत ही नहीं है ना, राहत अल्लाह के पास है, अल्लाह वालों के पास में फैज निजात राहत, जादू तो तुम्हारे जो भी मुब्तला कर रहा नहुसत में उसमें तो वो कैसे नहुसत नहुसत से हटेंगे, बेबुनियाद बात है, शैतान के पास रहमत नहीं है, शैतान के पास में खाली जहमत है, लोग तकलीफ दे सकता, फैज नहीं पहुंचा सकता, फैज अल्लाह की कलाम की से पहुंचता, और फैज अल्लाह जमीन पे आके नहीं देता, अल्लाह के चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता, कुरान को तफसीर तफसीर के अंदर पढ़ते जाओ, कुरान तफसीर ये सब चीजें पढ़ेंगे तुम, उसके थेरे या डिफिनेशन बारीक से बारीक तुम समझ में आएगा, तफसीर कुरान पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे तुम, बहका देंगे लोगों को, बेवकूफ बना देंगे, और याद रखना कि हदीस कुरान ये सब इंसान को सही तरीके से जीना सिखाने के लिए उतारे वाले चीजें, तुम महफूज रहेंगे ये सब बातों से, और बहुत सारी बातें कहने सुनने सब अमल करने की तौफीक है, ठीक है चलो।